सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे आप अपने YouTube वीडियो के लिए एक बहुत ही अच्छा सा आउटरो क्रिएट कर सकते हो कुछ इस टाइप का। और एक क्या, आप चाहे जितने भी उतने एनिमेशन वाले आउटरो खुद से क्रिएट कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो गाइस, वीडियो को आप एकदम लास्ट तक जरूर देखना। एंड हाँ, इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। एंड जो भी चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर देना ताकि मेरी कमाल की वीडियोस आपको मिलती रहे। सो हे गाइस, माय नेम इज सचिन एंड यू आर वाचिंग सच टेक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, ये आउटरो हम काइन मास्टर में क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने काइन मास्टर को आप ओपन करना एंड 16:9 रेशियो सेलेक्ट करना। एंड यहाँ पे मैं आपको एक टेम्पलेट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे पहले ऐड करना। उसके बाद गाइज, यहाँ पे आपको करना क्या है कि हैंड राइटिंग जो टूल्स है वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड सॉलिड कलर सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट किया है। एंड आपको जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड कुछ इस टाइप से आपको वहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद गाइज, डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करना है एंड वहाँ पे एक और लेयर आपको डुप्लीकेट कर देना है उसका। एंड कुछ इस टाइप से आपको वहाँ पे दोनों को बहुत अच्छे से मतलब सेट कर देना है। उसके बाद इसके इन और आउट एनिमेशन भी आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड मैं यहाँ पे इसके इन एनिमेशन दे देता हूँ स्केल डाउन, एंड जो दूसरी वाली है उसका मैं यहाँ पे स्केल अप का यहाँ पे इन एनिमेशन आउट इन एनिमेशन दे देता हूँ। एंड आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा उसके बाद। एंड यहाँ पे उसकी स्पीड को भी आप सेट कर सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जितना चाहिए होगा उतना आप सेट कर सकते हो। तो ये काम करने के बाद अब आपको करना क्या है कि मैं एक और टेम्पलेट आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। नियॉन कलर का एक रेक्टेंगल है वो मैं दे दूंगा वहाँ पे, आप वहाँ पे जाके उसे डाउनलोड कर लेना। एंड कुछ इस टाइप के आपको वीडियो में ऐड करना है। एंड दोनों साइड में आपको यहाँ पे इसके एक और डुप्लीकेट लेयर को आपको सेट करना है। एंड दोनों को साइड में यहाँ पे अच्छे तरह से मतलब सेट कर देना है। एंड कुछ इस टाइप को आपको सेट करना है। एंड मतलब आप सेट ऐसे करना कि थोड़ी देर जैसे वो शटर ओपन होगा वो आपका जो नियॉन कलर का रेक्टेंगल है वो वहाँ से मतलब सामने आए। एंड इसके भी आप इन एनिमेशन एंड आउट एनिमेशन दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं इन एनिमेशन एक का स्लाइड लेफ्ट में देता हूँ एंड एक का स्लाइड राइट देता हूँ। एंड कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा एनिमेशन। तो मैं यहाँ पे प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का एनिमेशन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद गाइज, अब हम यहाँ पे सब्सक्राइब वाले एनिमेशन को सेट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको मतलब ओवरले पे जाना है। एंड यहाँ पे आपको शॉप में से दो चीज़ें आपको मतलब डाउनलोड करनी होगी। एंड दोनों में यहाँ पे आपको नेम आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये दोनों आप ओवरले में जाके आप शॉप में जाके डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है दोनों चीज़ों को। एंड दोनों चीज़ों को एकदम सेंटर में सेट करना ताकि सब्सक्राइब वाला जो एनिमेशन है वो बहुत ही अच्छे से मतलब ग्लो करे। तो दोनों चीज़ को एक साथ आप पहले ये दोनों चीज़ मतलब जो भी आपका रेक्टेंगल उसे अच्छे से सेट कर लेना। एंड बीच में आपको जैसे ही ये रेक्टेंगल मतलब बीच में आ जाए आपका वो जो सब्सक्राइब वाला जो एनिमेशन वहाँ से आपको स्टार्ट होना है। तो फिर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको मतलब सेट कर देना है। तो आप अपना अकॉर्डिंग अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे मैं मतलब वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ इसलिए मतलब गड़बड़ भी हो सकती है, बट आप अच्छे से करना एंड बहुत ही अच्छे से मतलब इसका एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से आपको मतलब सेट करना है। एंड देख सकते हो कितना अच्छा लुक आ रहा है। एंड इसका भी आप इन एनिमेशन देना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी देना चाहते हो आप दे सकते हो। एंड एक और यहाँ पे ओवरले में चीज़ आपको डाउनलोड करना है, अगर वहाँ से भी आप कर सकते हो, लेवल अप का एक एनिमेशन है वहाँ से भी आपको मतलब सर्कल एंड रेक्टेंगल वाली चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे आप गाइस हम यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे एंड वहाँ पे एक जो यहाँ पे माई मतलब नेक्स्ट वीडियो का एक होता है और एक होता है माई सजेशन कुछ करके ऐसा होता है, वहाँ पे हम ये दोनों चीज़ों को लिख देंगे ताकि जो मेरे दो वीडियो आएंगे वो आपको वहाँ पे दिखने को मिलेगा कि ये क्या मतलब क्या देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो, पहला में हम लिख देते हैं नेक्स्ट वीडियो। एंड ठीक जो रेक्टेंगल है उसके नीचे हम उसको सेट कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वीडियो लिख दिया एंड आप देख सकते हो मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया। अब उसको आपको करना क्या है कि उसके डुप्लीकेट लेयर को फिर से आपको सेट करना है। एंड यहाँ पे आपको मतलब एडिट टेक्स्ट में जाना है एंड वहाँ से आपको फिर से मतलब सेट मतलब टाइप करना है माई सजेशन। उसके बाद गाइज माई सजेशन पर टैप करोगे तो फिर आपको जो सेकेंड वाला जो रेक्टेंगल है वहाँ पर आपको नीचे मतलब अच्छे से सेट करना है। फिर इसका एक डुप्लीकेट लेयर आप सेलेक्ट करना है एंड वहाँ पे फिर आपको सब्सक्राइब लिखना एंड सेंटर में इसको बहुत ही अच्छे से मतलब सेट कर देना। तो ये तीनों चीज़ आप बहुत ही अच्छे से करना है एंड मतलब देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड इसके भी अगर आप इन एनिमेशन आउट एनिमेशन देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फेड का जो इन एनिमेशन तीनों में दे दिया
एंड आपको मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप का आपको वीडियो प्ले होके देखने को मिलेगा, जो कि आपका जो आउट्रो है वो बहुत ही कमाल का, मतलब आप कह सकते हो कि ये तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो बहुत ही कम टाइम में आप मतलब छोटे छोटे स्टेप करके एक बहुत ही कमाल का आउट्रो आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, आप बहुत तरीके के आउट्रो खुद से क्रिएट कर सकते हो। आपके अगर गेमिंग चैनल है या टेक चैनल है उसके लिए भी अलग अलग आउट्रो आप क्रिएट कर सकते हो, तो कुछ इस टाइप का आपको आउट्रो देखने को मिलेगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल पर भी पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।